अपनी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाई। पलवल में हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक हुई। बैठक के दौरान राव नरवीर सिंह ने शिकायतें तो सुनी ही, साथ ही सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। बीजेपी ने सीएम विंडो की शुरुआत की। हरियाणा में सीएम विंडो पर लगभग 6 लाख शिकायतें लगाई गयी है, इसमें से 90% शिकायतों का समाधान किया गया है। सीएम विंडो की शिकायतों पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं। अधिकारियों को तय समय सीमा में शिकायत को हल करना होता है। 5 सालों में प्रदेश की सभी सड़कों का निर्माण और सुधारीकरण हुआ है। बची हुई सड़कों पर काम जारी है। हरियाणा में मेयर, नगर परिषद और जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव सीधे कराने के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव। प्रस्ताव पास होने पर कानून का रूप देकर सीधे चुनाव कराए जाएंगे। सीधे चुनाव होने पर पार्षदों की खरीद फरोख्त के मामले सामने नहीं आएंगे। बैठक में 16 शिकायतों को शामिल किया गया, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। वहीं कुछ शिकायतें पेंडिंग छोड़ दी गई हैं। 2 शिकायतों के समाधान के लिए ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान राव नरवीर सिंह ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की बैठक में केवल ऐसे मुद्दे लाने चाहिए जिनका समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। बैठक में ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल, प्रथला विधायक टेकचंद शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां एक ओर राव नरवीर ने बैठक में शिकायतों का निपटारा किया, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर चुनावी माहौल में सियासी फिजा अपनी ओर घुमाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि सरकार और बीजेपी की मेहनत कितना रंग लाती है और चुनाव में कितना भला होता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।